नमस्कार। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बीच में भारत की एक अलग ही टेंशन है। अब भारत की टेंशन यह है कि भारत के अधिकतर स्टूडेंट यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गए हैं। अब वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें देश से निकालो जल्दी से जल्दी और भारत पहुँचाओ। अब भारत की ये टेंशन है और भारत कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आप इस बीच में आप ये जानिए कि भारत के अधिकतर स्टूडेंट MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन क्यों जाते हैं? भारत में ही MBBS की पढ़ाई क्यों नहीं कर ले? या फिर यूक्रेन तो एक छोटा सा देश है, इसके अलावा दुनिया की टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटी या तो ब्रिटेन में है या फिर अमेरिका में है, तो फिर भारत के स्टूडेंट यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने क्यों जाते हैं? MBBS के लिए आसानी से एडमिशन मिल जाता है। यूक्रेन में क्या होता है कि MBBS के लिए आसानी से एडमिशन मिल जाता है। भारत में तो आप जानते हो, भारत के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना बच्चों के लिए MBBS में बहुत ही टिपिकल, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजों में जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों में अगर आपको एडमिशन लेना है MBBS में तो भी बड़ी मारामारी रहती है। यूक्रेन में ऐसा नहीं होता है। देखिए आप, यदि आपकी नीट क्लियर है तो एडमिशन हो जाएगा, भले ही आपकी रैंक कुछ भी हो। अब ये ध्यान रखना, यूक्रेन में क्या है, यूक्रेन में अगर आप यहाँ से कह रहे हो आपकी नीट क्लियर है, आपकी रैंक कुछ भी हो, बस आपने नीट क्लियर कर लिया है, आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। थर्ड, यूक्रेन में मेडिकल सीट प्राप्त करने के लिए भारत जैसी मारामारी नहीं रहती है। भारत में तो आपको पता है कितनी मारामारी रहती है अगर एक मेडिकल सीट भी अगर आपको लेनी है तो, लेकिन यूक्रेन में ऐसी मारामारी नहीं रहती है। आप नीट क्लियर हैं और जैसे यूक्रेन में गए आपको मेडिकल सीट मिल जाएगी और आप वहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर सकते हो, डॉक्टर की डिग्री ले सकते हो। अब मेन बात ये देखिए आप, भारत की तुलना में यूक्रेन में MBBS की फीस बहुत कम है। सबसे बड़ा अंतर ये आता है फीस का यूक्रेन में। अब आप कहोगे सर फीस का, बिल्कुल 50% फीस का अंतर है। देखिए आप, भारत में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में तो अपन जानते हैं फीस कम है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अगर आप कोई मेडिकल सीट ले रहे हो तो आपको कम से कम 70 से 80 लाख रुपए चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है प्राइवेट कॉलेज से तो कम से कम 70-80 लाख रुपए तो ये चाहिए। इसके अलावा आपके 4 साल रहना करना और हॉस्टल फीस यानी 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अब ये यूक्रेन में देखिए, यूक्रेन में 25 से 30 लाख के बीच में आपको इन्वेस्ट हो जाती है। अब देखिए जस्ट आधा अंतर, भारत में चाहिए 70 से 80 लाख रुपए और यूक्रेन में चाहिए 25 से 30 लाख रुपए। तो अधिकतर भारत के स्टूडेंट यूक्रेन चले जाते हैं MBBS की पढ़ाई करने के लिए। अब दूसरे देश भी जा सकते हैं, जैसे यूरोप जा सकते, जैसे ब्रिटेन जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी फीस बहुत ज्यादा है। दूसरा, वहां पर टैलेंटेड बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं। फिफ्थ, दूरी भले ही 5000 किलोमीटर है यूक्रेन और भारत के बीच में, लेकिन ध्यान रखना हवाई जहाज से समय सिर्फ 6 घंटे ही लगता है। सबसे बड़ा टाइमिंग आने जाने का, दूरी भले 5000 किलोमीटर है यूक्रेन और भारत के बीच में, लेकिन आने जाने का सिर्फ 6 घंटा ही लगता है। अब 6 घंटा तो अपन भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं जो थोड़ा दूर हो तो 6 घंटे तो वहीं लग जाएं। आप ये 6 घंटे में एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तो टाइम बहुत कम लगता है, दूसरा फ्लाइट का किराया भी बहुत कम है, फ्लाइट का आने जाने का फ्लाइट का किराया भी ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम है। तो भारत के अधिकतर स्टूडेंट इस वजह से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने जाते हैं। एक तो वहाँ पर सीट आसानी से मिल जाती है, दूसरी वहाँ पर फीस सबसे बहुत कम है, भारत की तुलना में बहुत कम है। इस कारण से भारत के अधिकतर स्टूडेंट यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने जाते हैं।